हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धान की कटाई का टाइम चल रहा था। आदित्य ने अपने भतीजे सोहन को घर बुला लिया था। सोहन घर का हाल चाल जाने लगा, तभी उसकी चाची बोली, घर का हाल चाल तो सब ठीक है, बस हमारा हाल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय धान की कटाई चल रही है और तुम्हारे चाचा जी शहर गए हुए हैं। हम और हमारी ननद दोनों मिलकर काट रहे हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा फुर्सत हो तो कुछ दिनों के लिए धान की कटाई में हमारी मदद कर दीजिए। तभी सोहन मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मदद तो कर दूंगा चाची, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तभी उसकी चाची अदिति बोली, उसके लिए तुम चिंता मत करो, मैं तुझे एक ऐसी गिफ्ट दूंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जवान और खूबसूरत चाची के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर वह सोच में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आया तो वह अपनी चाची से कहने लगा, ऐसी कौन सी गिफ्ट है चाची जो मुझे हमेशा याद रहेगा? थोड़ी देर बाद उसकी चाची बोली, थोड़ा सब्र रखो, रात हो जाने दो, फिर मैं तुझे वह अनोखी गिफ्ट दिखाती हूँ जो तुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसा कहकर वह तुरंत अपने भतीजे और ननद को साथ लेकर खेतों में धान की कटाई करवाने के लिए चली गई थी। शाम को कटाई के बाद सब घर आ गए और खाना वाना खाकर सब परिवार वाले अपने बिस्तर पर आकर सो गए थे, जैसे मौका मिला। सोहन दबे पांव अपनी चाची अतिथि के बेडरूम में पहुंचकर चाची के बगल में बैठकर गिफ्ट दिखाने के लिए सेट करने लगा। लंबे समय से प्यासी अतिथि जब जवान भतीजे को अकेले बेडरूम में देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वह तुरंत सोहन से जाकर चिपक गई। अब जैसे ही सोहन कुछ देर तक अपनी चाची के कोमल अंगों का स्पर्श पाया तो वह भी कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के शारीरिक सुख का आनंद लेने लगे। इस बीच दोनों का प्रोग्राम शुरू हुआ ही था कि अचानक अतिथि की ननंद नीलम को इसकी भनक लग गई। नीलम अपने शक को यकीन में बदलने के लिए चाची के रूम के पास पहुंच गई और खिड़की से झांक कर अंदर का नजारा देखने लगी। नीलम जवानी की दहलीज पर अपना कदम रख चुकी थी। भाभी के रूम के अंदर का नजारा देखकर उसके भी अंदर वासना की लहरें दौड़ने। क्या बात है भाभी जी, अपने जवान भतीजे के साथ भरपूर मजा ले रही हो। ननद की जुबान से इस तरह की बातों को सुनकर पहले तो अधिक डर गई, लेकिन बाद में ननद की बातों को ध्यान से सुनी तो वह बेहद खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, इसमें अकेले मजा लेने की क्या बात है, और आओ तुम भी ले लो मजा। अब जैसे ही नीलम अपनी भाभी अतिथि की तरफ से हर आशिक कर पाया तो वैसे ही वह बिना समय गवाए रूम के अंदर दाखिल हो गई और अब दोनों जवान भतीजे के साथ शारीरिक सुख का आनंद लेने लगी। नीलम अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति कर रही थी, इसलिए उसे बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन इसी आनंद के चलते हुए वह मदहोश हो गई और उसकी आवाज कमरे से बाहर जाने लगी थी। बगल वाले कमरे में नीलम की माँ सो रही थी। बेटी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। उसने तुरंत देवना करते हुए वहाँ पर पहुँच गई, जहाँ उसकी जवान बेटी का भाभी के भतीजे रोहन के साथ चल रहा था। जब पूरा प्रोग्राम मैंने अपनी आँखों से देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह तुरंत गुस्से से आगबूला हो गई, जिसके बाद पास में रखे डंडों से ता बहू के भतीजे रोहन के सिर पर वार कर दिया, जिसके चलते सुमन की मौके पर ही मौत हो गई।